हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, रिव्यू करेंगे लिकैप टैबलेट का कि भाई ये टैबलेट क्या होती है, किस बीमारी में चलती है और क्यों लिखता है डॉक्टर और कैसे काम करती है, साइड इफेक्ट सावधानियां और इसका डोज क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिकैप की बात कर रहे हैं तो लिकैप सिर्फ एक जस्ट ब्रांड नेम है और ये टोरेंट फार्मास्यूटिकल की कंपनी की तरफ से आता है और इसके अंदर होता क्या है, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में इसमें होता है लिकैप टैबलेट के अंदर। इसी तरह मार्केट में लिथोसम भी आता है, लिटिका भी आता है, लिथोलेंट आता है, लिथैक्स आता है, बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हो सकते हैं। ये बेसिकली लिथियम कार्बोनेट की टैबलेट्स होती हैं। और अगर बात की जाए कि भाई ये है क्या, तो ये एक प्रकार का मूड स्टेबलाइजर होता है। आदमी का जब मूड ठीक नहीं होता है, उसका बिहेव ठीक नहीं होता, तो उसको बिहेव को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। इसलिए इसका जो यूजेस है उसको समझ लेते हैं कि यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा, फिर समझेंगे काम कैसे करता है। दोस्तों, मेनियक डिप्रेशन मतलब कि आदमी मेनिया की कंडीशन में पहुंच जाता है। मेनिया मतलब होता है भाई सुपर एक्साइटेड, आदमी अपने होशो हवास में नहीं रहता है पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता है, कभी भी कुछ भी करने लगता है। एक प्रकार से बोला जाए तो पागलपन की स्थिति आदमी में आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा लिथियम टैबलेट्स पागल खानों में चलती हैं, जितने भी मेंटल असाइलम्स होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम टैबलेट को दिया जाता है। क्योंकि इस टैबलेट की खासियत क्या है कि भाई ये लंबे समय तक दी जा सकती है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है मरीजों के ऊपर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिसमें आदमी का मूड स्विंग होता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, अभी उदास है थोड़ी देर बाद खुश हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को डील करना मुश्किल होता है कि वो कब खुश होगा, कब उसका कैसा मूड रहेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को भी इसको दिया जाता है ताकि उनका मूड स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है ना। मेनिया, एक्साइटेड मूड, डिप्रेशन में भी कई डॉक्टर्स चलाते हैं, अपनी प्रैक्टिस के अनुसार वो डिप्रेशन में भी दे देते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मूड को स्टेबल करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है, लिथियम कार्बोनेट। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये काम कैसे करती है लिथियम कार्बोनेट, मूड को कैसे सही रखती है। तो ये जस्ट आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आपके ब्रेन से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे केमिकल्स चलते हैं हमारे शरीर में, ब्रेन से निकलने वाले केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो उन्हीं को ये बैलेंस करता है, जब इनका एबनॉर्मल हो जाती है स्थिति तब ये इस तरह की आदमी हरकतें करता है, तो इनको बैलेंस कर देता है, ठीक है। और सप्रेस करता है आपकी नर्व सेल्स की एक्टिविटी को, जो हमारे न्यूरॉन्स में से सिग्नल्स जा रहे हैं उनको सप्रेस करता है, उनको ब्लॉक करता है एक प्रकार से। तो आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, फिर काम डाउन हो जाता है, फिर आदमी हरकतें बंद कर देता है या उसका मूड स्टेबल हो जाता है, उसको रियलिटी और अपने बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है, फिर आदमी धीरे धीरे रिकवरी भी करने लगता है। तो इस तरह से ये काम करता है, सिर्फ जस्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करता है, नर्व सेल्स की जो सुपर एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करता है। अब बात करें दोस्तों कि इसकी कुछ सावधानियों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को चल रही है, किसी डॉक्टर ने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब भी आप इस टैबलेट का यूज़ करेंगे तो आप ना ही बाइक चला सकते हैं ना ही कार ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेने से आती है नींद और जो कि है नुकसानदायक, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। किडनी की कोई समस्या है आपको या थायरॉयड आपका कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, थायरॉयड ऊपर नीचे होता रहता है या आपको जो है झटके कभी आते रहते हैं, तो ऐसी जो भी आपकी हिस्ट्री है उसको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। कई लोग बताते नहीं डॉक्टर को कि भाई हमको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, झटके वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि इस टैबलेट के साथ ये चीज़ बढ़ सकती हैं, समस्याएँ बढ़ जाती हैं। छोटे बच्चों को भी दी जाती है, हालाँकि 7 साल तक के बच्चे होते हैं उनको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उनको भी कम मात्रा में इसका डोज दिया जा सकता है, लेकिन 7 साल तक छोटे बच्चों को नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मदर्स हैं, बच्चे को दूध पिलाती है महिला और गर्भवती हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह से कुछ समय के लिए ले सकती है, अगर उनका मूड ठीक नहीं रहता है तो डिप्रेशन वगैरह है तो, ठीक है। तो ये है कुछ ड्रग इंटरेक्शंस देखे गए हैं, क्योंकि ये लंबे लंबे समय तक चलती है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है कितने लंबे समय तक चलेगी, तो ड्रग इंटरेक्शंस जानना बहुत ज़रूरी है। ACE इनहिबिटर्स जितनी भी दवाइयाँ आती हैं जो कि हाइपरटेंशन में चलती हैं, आदमी के ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तब ACE इनहिबिटर्स जैसे कि कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल या लोसार्टन, ये सब दवाइयाँ चलती हैं, तो इनको नहीं चलाया जाता, इसके साथ इनके बहुत ज़्यादा गंभीर ड्रग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ खास ख्याल रखें, अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि भाई हमारी कोई ब्लड
प्रेशर को कम करने की दवाई चल रही है। साथ ही बात करें आप साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसमें देखा गया है जब जब कोई व्यक्ति लीकैप टैबलेट लेता है तो उसको डिजीनेस सी बनी रहती है, चक्कर आते ही हैं, हाथ पैरों में थोड़ी सी थकावट फील होती है और मुंह सूखा सूखा लगता है, प्यास ज़्यादा ही लगती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है और कुछ दिन में इसकी आदत पड़ जाती है। वेट गेन कर लेते हैं लोग, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। और मेरा एक वीडियो है कि भाई जो भी इस तरह की दवाइयाँ जो दिमाग पे आकर काम कर रही हैं ये वेट गेन कैसे करा देती हैं, उसका पूरा मैंने डिटेल में बताया, तो आप वो देख लेना वीडियो कि जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती हैं इनसे वेट गेन क्यों हो जाता है। ठीक है, पेशाब बहुत ज़्यादा करता है आदमी और सर दर्द हो सकता है। लेने का तरीका क्या रहेगा, डोज समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर डोज ये है कि खाने के बाद ही दिया जाता है और हमेशा फिक्स टाइम पर दिया जाता है, खाने के बाद, सुबह शाम और फिक्स टाइम पर, और कभी भी इसको छोड़ना नहीं, अपनी मर्जी से छोड़ना नहीं। जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई ठीक है अब तो अब अच्छा लग रहा है, अच्छे बिहेव हो गया है, तो बंद कर दो। बिना डॉक्टर की परमिशन से आप इसको बंद नहीं कर सकते। सडनली स्टॉप करने पे आपको बहुत बुरे इसके जो है नुकसान देखने को मिलेंगे, तो हमेशा इसको पूरा कोर्स करना चाहिए। अगर भले से आप अच्छा फील कर रहे हैं तब भी इसको लेना बंद नहीं करना है। ठीक है, डिपेंड करता है एज पर और आदमी है, महिला है, पुरुष है, सब पर भी इसका वेट जो है डोज। फिर भी एक मोटा मोटा हिसाब समझ लो कि इसके जो 300 मिलीग्राम टैबलेट है ये कई मरीजों को दो दो दी जाती हैं या कई को एक एक दी जाती है, सुबह शाम एक एक गोली या सुबह शाम दो दो गोली दी जाती हैं, ज़रूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी दिया जाता है। मैक्सिमम डोज एक दिन का 900 मिलीग्राम तक हो सकता है। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं 7 साल 8 साल के, उनको एक टैबलेट भी काफ़ी हो जाती है दिन भर में। ये है दोस्तों लिथियम कार्बोनेट लीकैप टैबलेट, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, प्रोडक्ट रिव्यू, मेडिसिन रिव्यू, हेल्थ केयर टिप्स, मेडिकल साइंस की नॉलेज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, इससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे और वीडियोज़ आपके काम आ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।